हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, रिसेंटली अभी जिन स्टूडेंट्स ने मई में अपने एग्ज़ाम्स दिए थे SOL में 6th सेमेस्टर के, उन सभी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, सो आप लोग इस चीज़ को पहले जान लो कि रिज़ल्ट किसका आया है। सिर्फ BA प्रोग्राम को छोड़ के बाकी सभी कोर्सेज का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जाननी ये ज़रूरी है कि अगर आपके रिज़ल्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू शो हो रहा है तो आपको उसको फेस कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ER की। अगर इसेंशियल रिपीट आया है तो क्या करना है। इसेंशियल रिपीट के लिए आप रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं विद इन 10 days। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पर सब्जेक्ट में भी 1000 या 700 फीस है उसकी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिज़ल्ट चेक हो जाएगा और उसका 1 month में रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग नहीं करवानी है तो आप लोगों का ये ER का पेपर नेक्स्ट ईयर मई में होगा। ओके, उसका फॉर्म अगेन वही अप्रैल के टाइम पे फिल किया जाएगा या अप्रैल से पहले, या हो भी सकता है दिसंबर में फिल करवा दिया जाए। उसके बाद मई में आपका एग्ज़ाम होगा, देन अगेन जैसे अब रिज़ल्ट आया है वैसे ही रिज़ल्ट आएगा। और अगर अब मैं बात करूं रिज़ल्ट अवेटेड की, तो इसका मतलब है कि रिज़ल्ट आपका वेटिंग में है, अभी आपको उसका वेट करना पड़ेगा, अभी आपका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर आपका एब्सेंट शो हो रहा है, AB लिखा हुआ है किसी सब्जेक्ट के आगे, तो आप लोगों को क्या करना है, विद इन 10 days जहां आपका सेंटर पड़ा था वहां पर जाना है, वहां से अपनी अटेंडेंस शीट निकलवानी है, उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर, एप्लीकेशन लिखकर, अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर आपको कहाँ जाना है और मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी भी SOL डिपार्टमेंट पहुँचना है, वहाँ पर सबमिट करना है। देन उसके बाद आपको 1 month वेट करना है, आपका रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। सीधी बात मैं आपको बता दूं, वो बोलते 1 week है कि बेटा 1 week में अपडेट हो जाएगा, लेकिन पूरा 1 महीना या उससे ज़्यादा भी लग जाता है। बार बार हो सकता है आपको चक्कर काटने पड़ जाए SOL के, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा, एब्सेंट तो ठीक करवाना ही है कुछ भी करके। इस वजह से तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रिज़ल्ट के अंदर या कोई इशू आपको दिख रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। ठीक है, एक बार मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कॉलेज नेम में प्लीज़ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ही डालिएगा, तभी आपका रिज़ल्ट निकलेगा। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मेल या फीमेल डालते हैं तो आपका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। ओके स्टूडेंट, बाकी इमेज कैप्चर कोड, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम रोल नंबर तो आपका एडमिट कार्ड में मिल ही जाएगा। ये सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद प्रिंट स्कोर कार्ड पे क्लिक कर लीजिए और आपका शो हो जाएगा रिज़ल्ट। अगर एक डाउट और, आपका कोई सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा लिखा हुआ और उस क्वेश्चन मार्क बना हुआ है या फिर एक छोटा सा स्टार बना हुआ है, डैश बना हुआ है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आपका रिज़ल्ट क्लियर है तो सब क्लियर है। और अगर मदर नेम या फादर नेम शो नहीं हो रहा तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें NA लिखा हुआ है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इन फ्यूचर, ना अब होगी। हाँ, अगर आपका नाम नहीं लिखा हुआ तो उसको जाके ठीक करवाओ कि भाई मेरा नाम नहीं है सर या मैम, आप इसको ठीक कर दो। ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।